मॉर्निंग का टाइम चल रहा है और मैं उठ चुका हूँ। उठने के बाद जो फ्रेश फ्रेश हो चुका हूँ और धूप भी आ चुकी है, तो जहाँ कल महिला संगीत थी तो वहीं आज मैं हूँ। और आज बारात जा रही है, यहाँ से भंतोला जा रही है। तो अभी तो मॉर्निंग का टाइम चल रहा है और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है मॉर्निंग पे। बाकी और कार्यक्रम भी चल रहा है एक तरफ से और बारात तैयार होगी, आपको दिखाते रहूँगा यार। बिजी भी हूँ, काम पे बिजी हूँ, तो छोटे मोटे क्लिप आपको दिखाते रहूँगा शादी का, तो बने रहें ऐसे। तो यार दोस्तों बारात जो है तैयार होने को है और हम लोग जो थे अभी दूल्हे की फोटोग्राफी कर रहे थे। बाकी थोड़ी देर में निकलती है बारात, हम लोग भी चलते हैं फिर। बाकी फोटोग्राफी का काम चल रहा है हमारा, तो उसी पर व्यस्त लगे पड़े हैं। और अभी थोड़ी देर में डांस वांस रहेगा, वो आपको भी दिखाएंगे जरूर। बारात जो है वो निकलने को है और दूल्हे को लेकर जो और नाच गाने के साथ निकल पड़े हैं दुल्हन के घर की ओर को। तो यार दोस्तों ज़्यादा तो बोलने का हो नहीं पा रहा है, बट क्लिप ही क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ शादी का। और इन्जॉय कीजिए, लाइक करें और कमेंट भी करें, ठीक है। बारात घर से निकल पड़ी है और रोड पर पहुंचने वाली है थोड़ी देर में, और भंतोला जा रही है। हमारी जानकारी है, मतलब हमारे पड़ोस गांव में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही है, नज़दीकी है। तो दो गाड़ियां हैं, एक बस जा रही है और एक जीप जा रही है, कार जा रही है। तो क्योंकि कम ही जा रही है जनता, क्योंकि आधा गाँव जो है सुतक है और आधा गाँव जो है बारात में जाएगा, ठीक है। तो यार बाकी छोटे छोटे क्लिप मैं आपको दिखाते रहूँगा। और पहाड़ की जो शादी होती है, जो डांस रहता है, वो भी आपको दिखाते रहूँगा मैं। बाकी यार दोस्तों मैं भी रोड में पहुँच चुका हूँ और पीछे से गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। और सामने पे जो है, ये देखिए सामने पे जो काली कार दिख रही है, दूल्हे की कार है, सज धज के तैयार है, बस दूल्हे के आने की देर है। और बाकी बारात में जा रही है, एक बस जा रही है और बाकी का तो मुझे पता नहीं है। और मैं जो जा रहा हूँ कार में जा रहा हूँ अभी, और नीचे से दूल्हे भी आ रहे हैं। और गर्मी भी काफ़ी लग रही है यार, अभी चढ़ाई चढ़ रखा हूँ तो गर्मी काफ़ी लग रही है यार। सामने देखो जो सजी हुई गाड़ी है, ये है दूल्हे की गाड़ी। और दूल्हे का नाम मैं आपको बता दूँ, संजय नाम है, और जो दुल्हन है उसका नाम है अंजू। बारात अभी भी नीचे ही है, काफ़ी टाइम हो गया, नाश्ते आ रहे हैं क्योंकि, और पंडित जी हमारे पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और मैं तो पहुंच ही चुका हूँ। बाकी कुछ बराती जो हैं वो भी रोड में पहुंच चुके हैं और कुछ लोग बाहर पे हैं, कुछ लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं।
नमस्कार दोस्तों, फाइनली हम लोग जो हैं भंतोला गांव में पहुंच चुके हैं जहां आज शादी जाने वाली थी। और हम लोग तो आगे आ गए हैं, बाकी बरती लोग जो हैं वो पीछे हैं, ऊपर रोड पे रुके हुए हैं। अभी और भी लोग आने बाकी है और बाकी सामने पर बारात है, वहां पे सामने पे है, ज़्यादा दूर है नहीं। और यहां पर जो है टेंट लगा रखा है, चाय पानी की व्यवस्था सारी यहां पर की हुई है। और बारात आने के बाद फिर आपको दिखाते हैं और फिर भंतोला गांव में भी ले जाएंगे और शादी का माहौल भी आपको दिखाएंगे। तो फाइनली जो है बारात पहुंच चुकी है और चाय नमकीन के साथ स्वागत किया जा रहा है यहां पे। और बाकी जितने भी बराती लोग हैं वो चाय पान जलपान कर रहे हैं और गर्मी काफ़ी हो रही थी इसलिए कोल्ड ड्रिंक ठंडा अंडा पी रहे हैं और नमकीन बिस्कुट भी है, ये देखिए। दोस्तों फाइनली जो है बारात घर पे पहुंच चुकी है, दुल्हन के घर पे पहुंच चुकी है और स्वागत किया जा रहा है। और दोस्तों वहाँ जो है पंडित जी कार्यक्रम कर रहे हैं अपना और यहाँ पर जो है भोजन की रसोई लगी हुई है मतलब, और सभी लोग जो है खाना वाना खा रहे हैं और बरती लोग जो है। तो अभी जो है फोटोग्राफी चल रही है और दुल्हन की जो है फोटोग्राफी चल रही है, पोर्ट्रेट फोटो चल रही है अभी और शूट भी चल रहा है थोड़ा बहुत। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो उम्र दीवाना लगता है। तो दोस्तों बाकी जो है मैंने तो खाना खा लिया है और दुल्हा और दुल्हन को अभी खाना ना खा रहे हैं, दुल्हा दुल्हन लोग पक्ष के लोग जो है खाना खिला रहे हैं सबको। और तो यार दोस्तों जो शादी का कार्यक्रम चल रहा है वो भी कंटिन्यू है और अब सात फेरे रहने बाकी हैं और लगभग 5:30 बज चुका है और अभी भी शादी का कार्यक्रम चल रहा है। तो यार यहाँ पर जो है अब 7 फेरे के रस्में होने वाली है, सामने भी अग्नि जली हुई है तो अग्नि को साक्ष्य मानते हुए 7 फेरे अभी लेंगे। Thank you.
रस्में पूरी हो चुकी हैं और अब दुल्हन को विदाई करने का टाइम आ चुका है और दोनों को परख रहे हैं। शादी की विदाई हो चुकी है, दुल्हन की विदाई जो हो चुकी है। तो और दोस्तों अब विदाई का टाइम आ चुका है और दुल्हन को यहाँ से विदाई कर रहे हैं और गाड़ी यहाँ से भी निकलेगी। बाकी दुल्हन को छोड़ने के लिए इतनी जनता आ रखी है देखो, और काफ़ी रात भी हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। अब निकलेंगे दसोली की ओर को।